सियासियात के साथ एजाज हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है उनतीस अगस्त को काबी ने विफाक़ी काबीना ने एक ऑर्डिनेंस पास किया शुमाली इलाका जात के हवाले से जिसे गिलगित बल्तिस्तान एमपावरमेंट एंड सेल्फ़ गवर्नेंस ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया और ये पैकेज जो है ये सितंबर में ये सामने आ गया इसी की बुनियाद पर इंतबात हुए पिछले दिनों से आप देख रहे हैं उन इंतखा के हवाले से बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो टेलीविजन में और अखबारों में आती रही हैं तो उन इंतबात से क़ा नज़र देखना ये है कि ये जो ऑर्डिनन्स आया इसकी क्या वजूहत थी इलाके की तारीख क्या है इलाके का जो एक मुतनाज़ जो एक हैसियत है आ, उसके हवाले से भी इसको देखेंगे आ, इसमें बहुत सारे जो हैं वो फराज़ जो है वो इस दास्तान में हैं और उन्हीं के हवाले से गुफगू करेंगे और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हसन असगरी रिजवी इस प्रोग्राम पर बहुत दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं आप उनको और चैनल्स पर भी देखते हैं अखबार में भी लिखते हैं और सियासिया के उस्ताद हैं और हमारे साथ फ़ोन पर शर्क गुफ्तु हैं इसमाइल ख़ान साहब जो कि शुमाली जात से ताल्लुक़ रखते हैं और तज्कार हैं अपने इलाके के हवाले से और इलाके की मुश्किल और इलाके की कानूनी हैसियत और लोगों के मसाइल के हवाले से आ, लिखते भी हैं और तज्जिया भी करते हैं उनसे भी गुफ्तु करेंगे और मेरे ख्याल में मैं इसमाइल खान साहब से अगर आप मुझे इजाज़त दें डॉक्टर साहब उनसे शुरू करता हूँ ख़ान साहब ये बताइए कि ये जो जो मैंने बात की थी थोड़ा सा इसको अगर हम तारीखी तनाजर में देखें कि एक अप्रैल उन्नीस सौ सैंतालीस में जो माहा हुआ कराची में हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हकूमत के दरमियान उसमें ये अंदिया दिया गया कि शुमाली इलाका जात यानी गिलगत एजेंसी और जो बल्तिस्तान एजेंसी है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का हिस्सा नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी हैसियत से वो पाकिस्तान के साथ होंगे इसी मामले को आगे चलाया गया हालांकि ये माहा था लेकिन जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं या आइनी हकूक़ जो हैं वो पाकिस्तान के आइन के हवाले से नहीं दिए गए थे उसके बाद जब उन्नीस सौ बहत्तर में आज़ाद कश्मीर की जो दस्तूर साज असम्बली है उन्होंने ये एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान जो हैं वो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा हैं इसी हवाले से आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ैसला है लेकिन उन्नीस सौ बयासी में जब मजलिस शूरा बनाई हक साहब ने तो उसमें उन्होंने तीन नुमाइंदे जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से तो लिए लेकिन आज़ाद कश्मीर की से कोई नुमाइंदा नहीं लिया तो ये एक जो अप्स एंड डाउन्स जो आते रहे हैं इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे देखिए एजाज साहब गिलगित बल्थिस्तान के तारीख को अगर हम जो कंटेप्रेरी तारीख है उसको अगर हम देखते हैं तो हमें 1949 के जो एग्रीमेंट है कराची एग्रीमेंट के नाम से मशहूर एग्रीमेंट उससे पहले थोड़ा सा पहले लेके जाना पड़ेगा हमें ये देखना होगा कि देखिए गिलगित बल्थस्तान मतलब अगर हम इसके जो कदीम तारीख को देखते हैं तो वो सारे इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट्स रहे हैं लेकिन 1836 के करीब जब डोगरा महाराजा जो जम्मू से जो उठे हैं उन्होंने लद्दाख और बल्तिस्तान पर कब्जा कर लिया सही और उस वक्त देखें 1836 और 1846 में 1846 में अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर को कश्मीर वैली को भी डोगरा महाराजा के हवाले कर दिया उसका एक जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आपको मैं इस से तरफ तोजह देाना चाहता हूँ कि इस इलाके पे मतलब गिलगित बल्स्तान मौजूदा गिलगितान के जो आधा हिस्सा है उस पे डोगरा महाराजों ने पहले कब्जा कर लिया था ट्री ऑफ अमृतसर साइन होने से पहले लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली हम सब एक ही बास्केट में पड़े रहे जम्मू भी लद्दाख भी गिलगित बल्थिस्तान और कश्मीर वैली कश्मीर वैली भी और हम लोग एक साल के करीब जो है जहाँ पे डोगरा महाराजों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमत की और जब 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और, और स्टेनस्टल एग्रीमेंट के हवाले से महाराजा एक शशिपंत का शिकार थे उस वक़्त वहाँ के लोगों ने मकामी लोगों ने ये फैसला कर लिया कि भाई हमें ये मौका है कि हम महाराजा हरी सिंह के उन्होंने बगावत की उस उनके खिलाफ बगावत कर दिया और वह आज़ाद हो गए और

वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है नो जो जो ट है और उसके के जो हैं, होने के उसको उसपे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का लेकिन जो ब्रॉडर एरिया से गिलगित के उसमें महाराजा के सरसुख हुआ करते थे लेकिन जो बल्तिस्तान है मौजूदा बल्तिसान ये लद्दाख वजारत का हिस्सा था बिल्कुल और ल, तो इन दोनों के भी आपस में ताल्लुक यूं समझे कि ये पार्टिशन के बाद अच्छा तो इससे फिर एक बात ये हुई कि जो अगर तारीखी नुक़ः नगाह से देखा जाए तो महाराजा हरी सिंह के की हकूमत तक जहाँ पे ये एक इंतजामी यूनिट में शामिल हो गए ये सारे इलाका जात उससे पहले तारीखी हवाले से ये एक नहीं थे एक बात और दूसरी बात यह है कि जम्मू में वादी में लद्दाख में और गिलगित और बल्तिस्तान में जो मुख्तलिफ लोग आबाद हैं वो एक कबायली या अचने की हैसियत से भी एक दूसरे से बहुत फ़र्क है बहुत कि अकेले में इस वक्त चार जबानी बोली जाती हैं अच्छा लेकिन इसमें एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि जो आ, अपना अकवा मुतहद के की करारदादे हैं कश्मीर के हवाले से उसमें ये इलाका इलाका जात जितने भी हैं इन सब एक इंतज़ामी हैसियत से जो है वो देखा गया है

अच्छा जी ये बताइए कि ये अभी आप गुफ्तू सुन रही थी इसमाइल खान साहब ने जो एक पूरा तारीखी तनाजर भी दिया और मैंने भी कुछ उनसे सवाल किए तो इस हवाले से ये जो ऑर्डिनेंस आया है और इस ऑर्डिनेंस में आ, जो मामला है वो कुछ उसमें इबाम है इस हवाले से कि तरफ तो हकूमत ने लगता है कि कोशिश ये की है कि किसी तरीके से इस, इस इलाके को के जो बुनियादी हकूक़ या जो एक पाकिस्तान में शमूलियत का जो मामला है उसको एड्रेस किया जाए लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी ख्याल है कि चूंकि इलाका जो है वो मुतनाज है अकवा मुत की करारदादों के हवाले से तो इसलिए इसको पूरी तरह जो है वो जम ना किया जाए तो ये जो आधा मामला है इसको आप किस देखती देखिये हमने तो इस पर जैसे ये निकला था ये ऑर्डर कह लेंज कहट्यूशन का उस पर हमने एक वाइट पेपर जारी किया था तो उसने काफी क्लियरली कह दिया था कि ना इन्होंने जिनके बल्कि की तो के मुताबिक नहीं अपना राय जो है सारी स्ट्रेटजी ये सारा ऑर्डर बनाया उनकी जो वो सिंपल हैं उन्होंने जब मैं क्योंकि मैं डेढ़ साल से इस इलाके की इंचार्ज हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से तो मैंने जो अपने इंटरेक्शन में चाहे वो मेरे अपने कैंडिडेट्स हों या आवाम के साथ जो भी मेरी इंटरेक्शन मिली है यहाँ की मीडिया के साथ मुझे जो बहुत क्लियर तासर यहाँ मिला है वो ये मिला है कि यहाँ हमें अभूरी विंटर सेटअप दे दिया जाए आ, या हमें एजे के स्टाइल सेटअप दिया जाए एजे के स्टाइल सेटअप पे काफी ज्यादा उनका एम्फोसिस रहा है आ, मैंने शुरू शुरू में एक बिल दिया था आ, अबुरी आ, प्रोविंशियल अच्छा इसको इसको मारवी इसको हम लेकिन जो उसका मारवी इसको जरा हम यहाँ पे ये जो आपने बात की ये ये जो आपने बात की इसको जरा मैं डॉक्टर रिजवी की तरफ लेके जाता हूँ मैं बार बार ज़ोर इस चीज़ पर दे रहा हूँ कि अब तक जो शुमाली जात के हवाले से जो बात नहीं हुई थी आइनी एतबार से जैसे मैंने पहले जिक्र किया आज़ाद कश्मीर असम्बली ने कहा कि ये हमारा हिस्सा है इसमाईल खान साहब ने बिल्कुल वजाहत की तारीख़ी एतबार से कि ये तमाम एक इंतज़ामी हवाले से एक यूनिट बन गए थे लेकिन ये उससे पहले जो है ये मामला नहीं था सेपरेट थे अच्छा हमने जो एक्साइज चेन का भी जो मामला तय किया जिसके ऊपर भारत बहुत ज़्यादा इतराज़ करता है आ, वो हमने चीन के साथ किया उसमें क्लॉज ये है पेंडिंग फाइनल सेटलमेंट है तो. उस पेंडिंग फाइनल सेटलमेंट का भी मामला यही है कि जब पूरे इस कश्मीर का मामला हो जाएगा तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो एक तरफ तो हमने शुमाली इलाका जात को इससे अलहदा किया और दूसरी तरफ हम शुमाली इलाका जात को इसके साथ मिला के देखते हैं